कहा जाता है इंसानों का बेस्ट फ्रेंड और सभी जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार कुत्ते ही होते हैं। मेरे पड़ोसी दोस्त और मेरे जानने वाले कई लोग तो कुत्तों को पालते भी हैं। एंड देयर इज हाई चांसेस कि आप में से कुछ लोगों के पास तो घर में एक पेट डॉग होगा ही, आपके जॉगिंग पार्टनर से लेकर आपके घर की प्रोटेक्शन करने तक सब काम ये कुत्ते बिना किसी सैलरी के करते हैं। पर ये बात भी सोचने में काफी ज्यादा दिलचस्प लगती है, कुत्ते कई तरह के होते हैं। कुछ रॉटविलर और पिटबुल की तरह खतरनाक होते हैं जिन्हें कई देशों में भी बैन कर दिया गया है। वहीं कुछ ग्रेट डेन और इंग्लिश मैस्टिफ जैसे बहुत ही लार्ज, कुछ ग्रेहाउंड जैसे सुपर स्पीडी, तो वहीं कुछ इंडियन स्पिट्स और चिहुआवा जैसे काफी ज्यादा क्यूट। तो ब्रीड्स इनके कई तरह के होते हैं और इनकी इतनी ज्यादा खासियत है कि मैं घंटों बात कर सकता हूँ। इनफैक्ट एक वक्त पर मुझे जर्मन शेफर्ड को पेट करने का बहुत ज्यादा मन था, पर खैर नहीं कर सका। तो हो सकता है कि मेरी तरह शायद आपको भी किसी डॉग ब्रीड को पालने का मन कर रहा हो, या आपके स्ट्रीट पर ही कोई डॉग हो जिसे आप उतना वैल्यू नहीं करते हो, और या फिर कोई नया पेट डॉग लेने का मन हो। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि रियल लाइफ में तो डॉग्स यूजफुल और फ्रेंडली है और इम्पोर्टेंट भी है, पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में भी ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में आगे देखते जाओ, हम ऐसे ऐसे डॉग्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। इस वीडियो में हम ढेर सारे क्यूट से प्रोटेक्टिव और डेंजरस डॉगीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन से डॉग की ब्रीड को पालना आपके लिए बेस्ट होगा, इतने सारे वैरायटी ऑफ डॉग्स के बीच आपको किस डॉग को सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके सर्वाइवल के वक्त पर बेस्ट फ्रेंड भी बन जाए, और आखिर क्यों, अगर आपके पास कोई डॉग नहीं है तो आपको अभी से किसी न किसी एक डॉग को पालना शुरू कर देना चाहिए। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि वाला। आई एम लेजेंड फिल्म में जब डॉक्टर नेविल पूरे शहर में अकेला सर्वाइवर बचा था, तो वी ऑल नो कि उसकी पेट डॉग सैम उसके साथ थी, जिस वजह से वो डीवीडी में आई फोर्थ स्टोरी के हांगकांग की सोल सर्वाइवर जिंगहुआ जू की तरह सुसाइड नहीं करता है। नहीं तो डेफिनेटली जितने लंबे देर के लिए वो फिल्म में सर्वाइव कर गया था, अकेला होने पर वो उतना ज्यादा नहीं कर पाता। और ये बात कि सैम उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तब हमें क्लियरली शो हो जाता है जब नेविल सैम को ढूंढने के लिए एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहां ही नोस कि उसे बहुत सारे डार्क सीकर्स वहां मिल सकते हैं, पर फिर भी वो ये रिस्क लेता है। तो जिस तरह सैम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में डॉक्टर नेविल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसी तरह हमारे पेट डॉग भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होंगे। तो चलो बेस्ट डॉग ब्रीड्स पर नजर डालते हैं और जानते हैं अगर आपको कोई डॉग ऑप्ट करना है तो कौन सा बेस्ट रहेगा। नंबर 5, अकीटा। शिबा इनू जो कि एक पॉपुलर डॉग मीम कैरेक्टर है, उसके तरह दिखने वाला अकीटा इनू एक जापानीज डॉग है जो काफी ज्यादा सुंदर लगता है और काफी एडोरेबल लगता है। इसे लोग द ग्रेट जापानीज डॉग के नाम से भी जानते हैं और जापान में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये डॉग अनजान लोगों से काफी ज्यादा कॉशियस होते हैं, पर वहीं अपने ओनर के लिए काफी ज्यादा लॉयल होते हैं। ये काफी ज्यादा जिद्दी तो होते हैं, पर एक बार जब ये किसी को अपना मान लेते तो उनकी प्रोटेक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन सब के अलावा इस डॉग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव ब्रीड है और अपने सेम जेंडर की अगर ये किसी और डॉग को देख ले तो उसे नहीं छोड़ता, मतलब ये दूसरे सेम सेक्स के डॉग ब्रीड के लिए बहुत खतरनाक है, जिसके कारण ये किसी और डॉग के साथ नहीं रह सकता और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो इसे US में पालना भी बैंड है। अब देखो, जब भी कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो ये डॉग ब्रीड आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये किसी पर भी बिना किसी डर के अटैक कर सकता है। वहीं अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कोई दूसरा सर्वाइवर आपको लूटने आया तो वो आपको नहीं लूट पाएगा, क्योंकि ये डॉग आपकी प्रोटेक्शन करेगा। पर अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनके साथ इन्हें पहले अच्छे से इंट्रोड्यूस करना होगा और इन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये किड्स के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है और इसी कारण से ये 5th पोजीशन पर है। नंबर 4, कोकापूज। क्या आपको पता है जब कॉकर स्पैनियल और पुडल को क्रॉस ब्रीड करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको एक स्पूडल या कॉकर पुडल मिलेगा जिसे कोकापूज भी कहते हैं। ये देखने में तो खिलौना की तरह लगता है, ये सबसे पुराना डिजाइनर डॉग ब्रीड है और काफी ज्यादा बेहतर लविंग कंपेनियन है। कई बार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ऐसा वक्त होगा जब आप सोच सोच कर परेशान हो चुके होंगे कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपका कोई क्लोज भी ज़ॉम्बी बन चुका होगा, और उस वक्त पर ये प्लेफुल डॉग आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन इसकी हाइट इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटी हाइट का है, जिस वजह से ये ग्रेट अटैकर नहीं है। वैसे इन्हें फीड करना भी काफी ज्यादा ईजी है और इनके पेट को भरने के लिए भी आपको ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर एक बात का ध्यान रखना कि ये काफी ज्यादा भौंकते हैं, मतलब कई बार तो बिना रीजंस के भी, जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। खैर, जब ये बहुत ज्यादा भौंक रहे हो तो अगर आप इन्हें समझा दोगे तो ये फिर शांत भी हो जाएंगे, और इन्हीं सब कारणों से ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में हेल्पफुल तो है पर आपके लिए कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, टिबेटियन मैस्टिफ। ये अपने शांत से मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए वाइडली पॉपुलर है और इसका लुक भी देखते बनता है। डबल कोटेड किया हुआ ये एक लार्ज डॉग ब्रीड है। इसका चौकस रहने वाला बिहेवियर और न्यूट्रल नेचर इसे एक बेहतरीन गार्जियन बनाता है। ना ही ये काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और ना ही इसे किसी का डर होता है। ये बहुत ही रॉयल डॉग है,
मतलब इसे जो सही लगता है ये वही करता है, और कुछ मन ना करे तो ये लिटरली कुछ भी नहीं करता है। और कई बार अगर ये मास्टर को खुद से ज्यादा सुपीरियर ना समझे तो ये अपनी मास्टर की भी नहीं सुनता है। तो ऐसे कई सारे रीजन इसके कारण ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड तो है, पर साथ में क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है तो इसे पेट की तरह रखना शायद इतना आसान भी नहीं होगा। और इंडिया में अगर आप किसी वार्म जगह पर रहते हो तो फिर ये शायद उतना बेहतरीन कंपेनियन भी ना बने। खैर अगर अब तक आपको अपना पसंदीदा डॉग ब्रीड नहीं मिला है तो कोई नहीं, आगे देखते जाओ। मैं आपको ऐसे डॉग के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑलराउंडर है, मतलब कि किसी भी तरीके से वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। एंड नंबर 2 इज नन अदर देन जर्मन शेफर्ड। इसे कौन नहीं जानता, लोग यूजुअली इसे पुलिस डॉग या मिलिट्री डॉग भी कहते हैं क्योंकि ये जनरली हमारे मिलिट्री के पास ही होते हैं। ये काफी एनर्जी से भरे होते हैं, स्पीडी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, न्यूट्रल, वॉचफुल और क्लेवर। इस ब्रीड में काफी ज्यादा फीचर्स हैं जिस वजह से ये इस लिस्ट में है। ना ही ये बहुत ज्यादा बड़े हैं और ना ही ये डिजाइनर डॉग है। ये एक परफेक्ट मिक्स है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी डॉग्स को नहीं पाला है, या फिर जो डॉग्स को पालना तो चाहते हैं पर दे डोंट नो कि कौन से डॉग उन्हें सही तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उनकी फैमिली को सेफ रख पाएंगे। अगर आपके घर में कोई किड्स या न्यूबॉर्न बेबी भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डॉग काफी ज्यादा समझदार होते हैं जिस वजह से ये बहुत छोटी सी ट्रेनिंग से, या कई बार तो इन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती है, और ये इजिली किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। और जो इन्हें अनजान लगे या जब इन्हें ऐसा लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो ये तुरंत एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते। इंडिया में ये बहुत ज्यादा इजिली अफोर्डेबल कॉस्ट में भी अवेलेबल है और इसके लो मेंटेनेंस के होने के कारण आपको इसे पेट बनाने में कोई इशू नहीं होगी। और जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कोई ज़ॉम्बी आपके सामने आएंगे तो ये डॉग आपसे भी पहले समझ जाएंगे कब उस ज़ॉम्बी पर अटैक करना है और कब नहीं। और इन्हीं सब कारणों से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, रोडेशियन रिजबैक। साउथ अफ्रीकन रीजन में ब्रेड होने वाला ये मीडियम लार्ज ब्रीड हंटिंग गार्डिंग डॉग है। ये काफी स्मार्ट और कई बार थोड़ा जिद्दी भी है। इनका इस्तेमाल आप सोच भी नहीं सकते अफ्रीका में जानवरों के किंग लायंस को हंट करने के लिए किया जाता था, तो अनडाउटेडली ये काफी ज्यादा एथलेटिक होते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां इनकी एक्सरसाइज करने के लिए जगह नहीं है तो आप इस डॉग को एज अ पेट रखना डिजर्व नहीं करते। पर सोचने वाली बात है कि जब ये डॉग शेरों का शिकार करने से पीछे नहीं हटता तो ज़ॉम्बी इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। इस मैग्निफिशिएंट और वर्सेटाइल ब्रीड की छलांग भी इतनी जबरदस्त है कि एक बार कूद कर ही सीधा ज़ॉम्बीज के सर को ये धड़ से अलग कर देगा। खैर ये काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस डॉग है और इसके ऊपर काफी थिन कोट की लेयर होती है जिससे ये और भी ज्यादा जबरदस्त लगता है और दौड़ने वक्त इसे आसानी होती है। तो ये डॉग ब्रीड ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आपका बेस्ट कंपेनियन है और विदाउट एनी डाउट प्लेफुल के साथ काम नेचर होने की वजह से ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और जिस रीजन से ये आपकी किसी भी सिचुएशन पे होने पर भी पूरी तरह से केयर करेगा। और अगर आपको फिर भी इनमें से कोई डॉग पसंद नहीं आया तो यार जो स्ट्रीट पर डॉग्स हैं जिनकी कोई भी लोग केयर नहीं करते उन्हें अपना पेट बनाओ क्योंकि उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस पता है। और उन्हें पेट बनाने के लिए तो आपको कुछ करना भी नहीं, जस्ट एक कोई सा बिस्कुट या रोटी उनके लिए काफी है। तो जब भी मौका मिले किसी रोड पर रह रहे कुत्ते को कुछ खिला दो और वो आपके लिए वफादार हो जाए। तो डॉग्स हमारे लिए कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक कुत्ते ने अपने मालिक के लिए जान दे दी। अरे इस पर तो मैं डिफरेंट वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसे बहादुर कुत्ते के बारे में जानना है जिसने मालिक के लिए अपनी जान दे दी तो कमेंट में सेवियर लिख देना, और हाँ वो वीडियो किसी ज़ॉम्बी से रिलेटेड नहीं होगी। और ये तो खैर हमने इस वीडियो में देख लिया कि ऐसी कौन सी डॉग की स्पीसीज है जो आपकी रक्षा करेंगे या जो एपोकलिप्स में आपके लिए बेस्ट कंपेनियन साबित होंगे। पर क्या आपको पता है कि डॉग्स के अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जो आपके ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो अब अगर आपको उन जानवरों के बारे में जानना है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में एक लाइफ सेवियर हो सकते हैं तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लें।